प्राइवेट बसों को पठानकोट में जाने की अनुमति नहीं दी जाए, इसके लिए मजदूर संघ ने विरोध जताया है। ऐसे में 23 तारीख को होने वाली बैठक में पंजाब सरकार के अधिकारियों को हिमाचल सरकार के परिवहन अधिकारियों की होने जा रही बैठक में यदि प्राइवेट बस मालिकों को डांगू से पठानकोट तक की रूटों की बढ़ोतरी देती है तो हिमाचल मजदूर संघ के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। ये बात प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष जसमेर राणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बस चालक मालिकों को पंजाब में जाने के लिए किसी भी तरह की समय सारणी की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि बसों के पठानकोट तक पहुंचेंगी तो साथ लगते नंगल बद्दी पंजाब की बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, इसके लिए परिवहन निगम घाटे में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी प्राइवेट बस मालिकों के साथ मिलीभगती से काम हो रहा है। प्राइवेट बसों को तवज्जो दी जाए तो हिमाचल पथ परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाएगी। जसमेर राणा ने कहा कि मौजूदा समय में हर निगम के डिपो में JNRU की बसें खड़ी हैं, वहीं सरकार इन बसों को चलाने के लिए चालक व परिचालक भर्ती करवाने के लिए कोई रणनीति बनाए ताकि अरबों का पैसा हिमाचल पथ परिवहन निगम का खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि 23 अप्रैल को पंजाब परिवहन हिमाचल परिवहन के अधिकारियों के बीच प्राइवेट बसों के समय सारणी को लेकर अनुमति देती है तो हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के सभी कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। जसमेर राणा ने कहा कि मौजूदा सरकार के पहले परिवहन मंत्री हैं जिन्होंने प्राइवेट ऑपरेटरों के साथ 6 बार मीटिंग जबकि ट्रेड यूनिटों या HRTC कर्मियों की कोई बैठक नहीं बुलाई। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रति जो रोष 3 सालों में होता था वो 3 महीनों में हो रहा है। पूर्व सरकार में HRTC में हुए घोटालों के बारे में सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। अगर सरकार जांच करती तो पूर्व मंत्री सहित कई लोग जेलों में होते। इस मौके पर संजीव कुमार संघ धर्मशाला अध्यक्ष अशोक वर्मा पठानकोट इकाई सचिव वृषपाल सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष तेज राम प्रदेश कोषाध्यक्ष मौजूद रहे। इसमें ऐसा हुआ कि हमारे कुछ पदाधिकारी परिवहन मंत्री से मंडी में मिले तो परिवहन मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के मंत्री और MLO का मुझे प्रेशर है और वो ऐसा करने के लिए लोग मुझे बोल रहे हैं, तो ये तो एक बड़ी गलत बात है कि एक जिम्मेवार आदमी परिवहन मंत्री ऐसी बात बोले और कानून को सुपरसीड करे। आज HRTC की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जनरल बसों के नाम से सड़कों पर सड़ रही है, उसके लिए चलाने के लिए ना तो ड्राइवर है ना कंडक्टर है, कोई चीज नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि उन बसों को चलाया जाता, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। आज नूरपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, लगभग 27-30 बच्चों की मौत हुई है, उसके लिए HRTC के पास लोग बसें मांगने के लिए आ रहे हैं और हमारे पास बसें खड़ी हैं। इस भीड़ को कम किया जा सकता है, परंतु प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, अन्यथा लोगों को फैसिलिटी दी जा सकती है और भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को नहीं ठूसा जा सकता है, परंतु ऐसा सरकार करने में असफल है। पिछली सरकार में परिवहन मंत्री ने जो पूर्व परिवहन मंत्री थे इतना घोटाला हुआ है, इतनी बातें हुई हैं, परंतु इस सरकार ने अभी तक कोई मोर्चा नहीं खोला और सरकार इसी पर आई थी कि ये जो घोटाले हुए हैं इनकी हम पूर्णतया जांच कराएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमने कई प्रोग्रामों में देखा जो भूतपूर्व परिवहन मंत्री के घर में थे तो हिमाचल प्रदेश की आधी सरकार वहां हाजिर थी, तो वो जांच क्या करवाएंगे। इसलिए मुझे तो यह लगता है कि चोर चोर मुसोरे भाई लग रहे हैं। हमारी मंशा यह है कि किसी की गलत चीज को कोई उजागर नहीं कर रहा है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, तो हम आज करने जा रहे हैं। अभी सरकार को बनी हुई 3 महीने हुए हैं, ये विरोध लगभग 3 साल के बाद होता था, परंतु ये पहली सरकार होगी कि जिसका विरोध 3 महीने में शुरू हो गया है। सरकार इससे अंदाजा लगाए कि जब 3 साल होंगे तो जैसे भूंचाल आता है वैसे भूंचाल आ जाएगा। अभी तो हमने इस सरकार को बनी हुई हमने पहला मुंह खोला है,
हमारा मुंह खुलते ही कई अन्य संगठन जो और दूसरे डिपार्टमेंटों के लोग भी मुंह खोलेंगे, तब सरकार क्या करेगी, तब सरकार की क्या मंशा होगी। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि ये जो गलत कानून थोप रही है इसको वापस ले, अन्यथा इसमें जो कुछ भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। हो रही है ये सरकार करवा रही है चोर दरवाजे से, और आरटीओ धर्मशाला ने ये पत्र गुरदासपुर पत्र भेजा है कि इनके रूटों को एक्सटेंड कर दिया जाए।